अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं खड़े मसूर की दाल, जिसे हम काली दाल भी कहते हैं, जिसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं किसी भी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून और 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, 1.5 हमने हल्दी लिए, 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है और 1.5 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 7 से 8 हरी मिर्चें और हरा धनिया थोड़ा सा लिया है। एक पाव हमने दाल ली है। चलें अब हम शुरू करते हैं दाल बनाना। पतीली हमने ली है, इसमें हम दाल डाल देंगे जो हमने धो के रखी थी बिल्कुल साफ। इसमें हम पिसी मिर्ची ऐड करेंगे, इसके बाद हल्दी, इसके बाद नमक, थोड़ा पिसा धनिया और अदरक लहसुन पेस्ट हम शामिल कर देंगे और इसमें कुटी मिर्ची डाल के आधे घंटे के लिए हम दाल को गलने देंगे। 7 से 8 हरी मिर्ची काट के ऐड कर देंगे और फिर दाल गलने के लिए हम छोड़ देंगे। हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह से गल चुकी है बिल्कुल। अब इसमें हम इमली का पेस्ट डाल देंगे जो हमने बना के रखा है और धनिया और पुदीना थोड़ा सा डाल देंगे, सूखा पुदीना भी डाल दीजिए या फिर हरा पुदीना हो वो भी सही है। अब आप इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको बघार की तैयारी करते हैं। हमारा पैन बिल्कुल रेडी है, ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है बघार के लिए। अब इसमें आप थोड़ी सी प्याज डालें बघार के लिए। प्याज हल्की ब्राउन करनी है हमें, बहुत ज़्यादा रेड नहीं कर दीजिएगा। अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे जब हमारी प्याज लाल हो जाए, उसके बाद कड़ी पत्ता और ये साबुत मिर्ची, ये हम दाल बघारेंगे। अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो जाए सब चीज़ें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है बघार का, और हम इसको दाल पे डाल देंगे। और हल्का सा चमचा चला के इसका ढक्कन ढक देंगे, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। दाल को बिल्कुल डिश आउट कर लिया है और देखें कितना खूबसूरत कलर आया है दाल में। अब आप इसको बघारे हुए चावलों के साथ या सादे राइस के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।